कितना प्यारा और साफ सुथरा गांव है। अभी जब गर्मी आ जाएगी तो यहाँ पे कैंपिंग, रिवर कैंपिंग होगी साइड में। तो आखिरी बार देख लो, अब ये छठा दिन हमारा और अपने घर की याद आने लगी है बस। रात को दोनों तरफ से खराटे की आवाज़ आ रही, बीच में एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई, बिल्कुल औरत जैसी आवाज़ थी। और ये भी आई, क्या भाभी जी भी यहाँ पे आई कि कौन चिल्लाया था रात को, तो हम तो और डर गए। मैंने कहा पता नहीं पहाड़ी एरिया है, तो भैया ने बताया कि रात को उनका कैंप लगा हुआ इधर, उसके चारों तरफ सियार घूम रहा था। सियार वहाँ बैठा हुआ था, कह रहे मैंने सोचा आज बाघ आ गया, तो सियार की चिल्लाने की, और बिल्कुल औरत की तरह चिल्लाया, एकदम औरत की जैसे चिल्लाया, हम तो डर गए। सुबह सुबह पूरी सब्जी मिल जाए, आहा। ऑयली कुछ नहीं हो रहा था ना, मैदा का हो गया था। ऑयली हो गया ये। मानव को सुबह सुबह चॉकलेट मिल गई, बड़ा खुश है ना। बाय बाय। ये है पहली से पांचवी तक, ये उत्तरकाशी में आता है, गंगाड़ ब्लॉक, मोरी जिला, उत्तरकाशी, समूह आदर्श विद्यालय, ओसला। चलो भाई, बाय 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 बाय, करते हुए निकल रहे हैं। ये है क्या, सुखा क्या रखा है, ये समझ नहीं आया। कोई जड़ी बूटी होगी, कोई भैया हो जानने वाले तो बता देना भैया हमको मैसेज। बकरी का बच्चा दूध पी रहा, बकरी का। हाँ हाँ, हम ऊपर गए थे, अब हमको यहाँ से उतरना है नीचे। ये हमें खराब तक ले जाएगा, जो मैंने आपको चक्की दिखाई थी ना, वहाँ तक रास्ता दिखा के उसके बाद बंद। देखिए मैं तो गांव वालों को ही रिक्वेस्ट करती हूँ, अब यहाँ तो टूरिस्ट कम आता होगा, तो कम आते होंगे, फिर भी टूरिस्ट कहाँ करते हैं, तो अपना कचरा कम से कम, हम गंगार में गए थे वहाँ भी कम कचरा था, वहाँ नहीं था, तो टूरिस्ट आता बहुत है, लेकिन अपने गांव को स्वच्छ रखना तो आपकी जिम्मेदारी है। इस रास्ते से हम चढ़ के आते तो ये हमारे पैरों में दर्द कर देता, क्योंकि पत्थर ही पत्थर है इस रास्ते में। कैसा रास्ता है ये, शॉर्टकट तो है लेकिन खतरनाक, और उस पर आइस मिलेगी, स्नो, वो वैसे खतरनाक। बेटे सुबह सुबह लकड़ी भी ले आई, जाओ 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 जाओ, आपको रास्ता दे रखा है, जाओ रुको मत। ये देखो कितनी लकड़ी, लड़की ने कम से कम 25-30 किलो ढो रखी होगी अपने साथ, है ना। हम यहाँ पे ट्रैक करके आते हैं और वैसे ही थके रहते हैं, और उनकी लाइफ देखो, यहाँ अगर कोई गिरा तो अच्छी खासी चोट लगेगी, पत्थर चुभेंगे उसके अंदर, क्योंकि ढलान है ना। ऑफ कैमरा हमको डरा देते हैं, हम कुछ बोलते हैं तो कह रहे अभी भाभी 4 दिन पहले डेथ हुई है। हमने कुछ बोल दिया तो कहेंगे आप डरा रहे हो। मैंने कहा आप क्यों डरा रहे हो, हमें क्या पता कि डेथ हुई है कि नहीं, हम तो बढ़िया चल के आए। इसमें गिरने के चांस कम है क्योंकि बाउंड्री बनी हुई है, यहाँ गिरने के चांस ज्यादा है। रेत है, और भैया जी रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक हाथ में खाली हाथ चल रहे हैं तो बड़ा पता चलता है ना, एक हाथ हमारे रिकॉर्डिंग पे है, एक हाथ से सहारा लिया हुआ है। स्कूल जा रहे बेटे यहाँ से गंगार। ये इनके स्कूल का रास्ता है, शॉर्टकट मारते हैं यहाँ से बच्चे। जिनको नीचे उसमें देखने में कईयों को डर लगता है ना हाइट से, तो वो पहाड़ की तरफ देखते हुए चले, नीचे देखे ही ना। खैर मेरे को तो नहीं लगता, मेरी बेटी कह रही थी तब मुझे याद आया कि मम्मी हाइट से डर लगता है, तो उसको वहाँ जाके कनाडा जाके डर लगने लगा, पहले तो ठीक थी।
बच्चे नीचे लेके जा रही है इनको, मैं सोच रही हमारे वाले आगे। ये मैंने आपको खराद दिखाया था तब हमने कि आटा पिस रहा था, अब हम पहुंच गए हैं वहीं पे। बस ये पुल क्रॉस करना है, ये गांव का शॉर्टकट रास्ता था जो हमने उस दिन नहीं लिया था। और नदी की आवाज़ तो ऐसी लग रही है जैसे एक अलग म्यूजिक संगीत चल रहा था हमारे। लास्ट मुझे बनाना है। आओ कम आराम से। देख पुल कैसे हिल रहा है। अब हम आगे अपने उसी ठंडे प्रदेश में साइड साइड से ठंडक चलेगी, धूप खत्म हो गई। अब वो पहाड़ छोड़ के हम इस पहाड़ पे आ गए हैं जो हमारा मेन रास्ता था, वो और ही उधर खराब थी। अब मैं अपने बैग में रखने वाली हूँ GoPro, आपको तालुका या साकरी ही मिलूंगी। भैया देखो कहाँ खड़े हैं, हमारे वजह से तो पेड़ ही नीचे आ जाएगा। ये रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ, हम ऊपर की तरफ से गए थे और जो हम नीचे से आए हैं वो ऊपर दूसरी तरफ से जा रहा है। अब हम ये उस पुराने रास्ते पे आ गए हैं और यहाँ मुझे फीलिंग आ रही है जहाँ हमारे बैक साइड में पीछे कांटे चुभे थे, हम पत्थर ब्लैक आइज में से निकल के आए थे, वो यही एरिया आ गया है। कुछ कुछ जगह पे हमें मिलेगी ब्लैक आइज। यहाँ पे देख वहाँ पे सूखे हुए थे ना, यहाँ पे ग्रीन है, वहाँ पे फूल बड़े थे तो सूखे हुए नहीं थे, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन डंडियाँ हैं इसकी। अब पुराना रास्ता सेम आ रहा है तो हम बंद कर रहे हैं GoPro, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये पहुंच गए हम गंगार, कितना प्यारा और साफ सुथरा गांव है। ऊपर से आ रहे हैं तो एक कूड़ा करकट नहीं दिखाई दिया, इसमें हम घूम नहीं पाए। और ये इसको मैं ना बिजली बनाने की बोल रही थी, खराब हो गए। और जहाँ पे हमने ऊपर देखा था आटा चक्की, ये वही इधर की इधर भी लगी हुई है, ऐसी हम तीन देख चुके हैं। मेरे को बड़ा प्यारा गाँव लगा पर इसको हम ज़्यादा नहीं घूम पाए। ये चक्की है, ये सर्दियों के लिए आटा पीस के रख रहे हैं। कितने किलो आटा पीस के रखोगे सर्दी के लिए? अच्छा अच्छा 50 किलो, 100-150 किलो। इस घराट के मालिक कोई और है? अच्छा आप मालिक हो? अच्छा ये तो कोल्ड प्रेस आटा जैसा है बिल्कुल। ये देखो ऊपर गया, ये ऊपर घूम रहा है, कितना तेज चल रहा है पानी के प्रेशर से। ये देखिए इनका आधा किलो आटा तो अपने ऊपर चिपका लिया है, ये आटा चिपका के जा रही है। तुम भी कम नहीं हो, इतना आटा चिपका के जा रही है अपने साथ। इनका आटा पिस रहा है, यहाँ वेट कर रहे हैं। तो तीन चार जनों की खरात एक तो वो पिसने देते हैं, पैसे लेते होंगे फिर या गेहूँ लेते हैं? नहीं है तो गेहूँ लेते हो फिर? हाँ मतलब आटा ले के जाते हैं। नहीं जैसे आप पिसवाते हो तो दिल्ली में तो जैसे हम चक्की पे पिसवाते हैं तो पैसे देते हैं, तो नहीं तो ये तो घराट है, वो तो मशीन से है, वो ना मशीन से है। तो घराट से क्या देते हो, पैसे देते हो आटा देते हो? आटा देते हो। कितना किलो? एक दो किलो। ठीक अगर तो तीन वो कट्टे पीजिएगा ना तो 3 किलो कट्टे के ऊपर है, पर कट्टे के ऊपर है। अब खोला मैंने कैमरा, हमें ऐसे तीन चार वो मिल चुके हैं। ये लोग अपना सर्दियों का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, तो गद्दे रजाई वजाई साइड हो जाओ इधर, रजाई गद्दे सब लेके जा रहे हैं। फैसिलिटी नहीं बढ़ा रही अपने सर्दियों का, वो कर रहे हैं 4 महीने बाद वो रहेगी ना स्नोफॉल, तो गद्दे फट जाते हैं, वो जाते हैं पुराने, तो उसके लिए कर रहे हैं अपना जुगाड़। देखो घोड़े भी रुके हुए हैं कि पहले वो चला जाए फिर हम आएंगे। देखो जानवर में भी कितनी पेशेंस है। ये सारे चावल जो दाल चावल चीनी गद्दे रजाई सब इसमें कर रहे हैं। है भैया सर्दियों का जुगाड़ कर रहे हैं पूरा।
हैं सर, 4 महीने फिर नीचे नहीं आ जाएगा ना, हैं? आइस बन जाती है, आइस बन जाएगी तो गद्दे चाहिएंगे फिर, इसीलिए सब लेके जा रहे हैं। देखो भैया, हमारे घोड़े वाले थे, हमारा सामान लेके गए थे, ये आ भी गए, छोड़ के भी वापिस जा रहे हैं ऊपर अपने घर जा रहे हैं, गंगार गंगार जा रहे हैं। ले हम यहीं तक पहुंचे अभी। प्यारा घोंसला है छोटा सा, छोटी छोटी चिड़ियों का। फाइनली हमारी पैदल यात्रा अंतिम पड़ाव पर। कहा जाता है यहाँ पे, ये ना सारे जो गांव है ओसला और वो जो थे गंगाड़, ये बहुत टूरिस्ट फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे से प्यार से, क्योंकि ना यहाँ पे अभी जब गर्मी आ जाएगी तो यहाँ पे कैंपिंग, रिवर कैंपिंग होगी साइड में, तो बहुत वो आते हैं, टूरिस्ट आता है और ऊपर गांव में भी जाके रुकता है, और तो इसलिए इतने प्यार से बात करते हैं ना आपसे, और यहाँ पे भी पूरा भर जाता है टूरिस्ट से। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा कैंपिंग वगैरह होती है, इसीलिए कंस्ट्रक्शन भी बहुत चल रहा है। फाइनली आ गए हैं और ये धोखा हमारे साथ हुआ था। देखो ये पहाड़ दूर से कितने अच्छे लग रहे हैं, दूर से ही अच्छे लग रहे हैं। बाय बाय, थोड़े दिनों बाद मिलेंगे, 6 महीने बाद, 1 साल बाद। रीना एडवेंचर करना है ना, ड्राइव कर ले, ये सबसे खतरनाक होगी। बधाई की पात्र ये है हमारी रीना। हाँ। रीना फर्स्ट टाइमर थी, नी में भी झटका आ गया था, पर फिर भी इतने पेशेंस से, इतने आराम आराम से, और ये ना वो है ना अक्षय कुमार, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त ये उस वाले स्टाइल में रही है पूरी, और अब ये डांस भी करके दिखाएगी, ठीक है ना। अब तो यात्रा हो गई, इधर गाड़ी गाड़ी तैयार खड़ी है हमारी, ये देखो भैया कितनी देर से वेट कर रहे हो, कितने घंटे? 4 घंटे। अब हम क्या करें, 1 बजे अब क्या करें, हमारे साथ कुछ इंजर्ड लोग भी थे। रास्ता हमने ऑलरेडी दिखाया हुआ है, अब हम सीधा जाके होटल में मिलेंगे आपसे, ठीक है। फाइनली हम उसी रूम में वापस आ गए हैं और अब पर्दे भी लग गए हैं और आज हम नहाई नहाई करेंगे, 5 दिन हो गए हमें गंदे बच्चे बने हुए, हमारी शक्ल देख लो कैसी हो रखी है। अभी भी 5वें दिन नहाए हैं और नहा के सर नहीं धुला है, बाकी ठंड भाग गई वहाँ के अकॉर्डिंग, यहाँ ठंड कुछ नहीं लग रही। पहले दिन यहाँ आए थे तो इतनी ज़बरदस्त ठंड लग रही थी ना, मैं बता नहीं सकती, अब वहाँ रह लिए तो यहाँ पे कुछ लग ही नहीं रहा है। आज मिला है वाह 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 पास्ता, वाह ये है दाल और ना, चलो पहले पास्ता खाया जाए। ये है हरा साग, ये भी अच्छा लग रहा है। ये निधि प्याज नहीं खाती है तो बिना प्याज का पास्ता है और वो देखो आपको लाल लाल नज़र आ रहा है, फॉरेस्ट फायर हो रही है वो भी और वो भी, ऊपर से रेड रेड, दूर से लाल लाइट नज़र आएगी, बस फॉरेस्ट वालों ने फायर कर रखी है, ऐसे जैसे माला बनी हुई है। खाना खाने के बाद हम बेड पे आ चुके हैं, अभी टाइम हुआ है, कितना टाइम हुआ है, 8:55, अभी 9 भी नहीं बजे, लेकिन क्या है कि अब नहा चुके थे, खाना भी खा लिया था पहले, खाना खा के, और कुछ लोग नहाने के बाद, क्योंकि सुबह 7 बजे निकलना है, पूर्णिमा को जल्दी घर पहुंचना है, अब वो लड़की अकेली लेट होगी तो उसको होटल रोक देना पड़ेगा, इसलिए उसकी वजह से थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं। और रीना तो आई इंदौर से हैं तो उनकी ट्रेन रात को 11 बजे है, तो 4 बजे तक हम पहुँच जाएंगे, तो आराम से वो भी अपने घर पहुँच जाएगी लड़की अकेली। और ट्रैक बहुत अच्छा रहा, रीना फर्स्ट टाइमर थी, पूर्णिमा ने 3 बार मतलब 12th क्लास तक उसने अमरनाथ जी की यात्रा की हुई है, तो रीना बहुत अच्छा चली है, पूर्णिमा भी अच्छा चली, और मतलब कुल मिला के बहुत अच्छे चले। लेकिन फिर भी मैं एक सजेस्ट करूँगी, जो भी चैनल से नई लेडीज़ आती हैं, अगर उनको ट्रैक करने हैं तो पहले वो स्टार्ट करें छोटे छोटे ट्रैक करने, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के ऐसे ट्रैक जो स्टार्ट करें पहले अपने आप ही करने ना, बजाय बड़ा, क्योंकि ये 54 किलोमीटर का ट्रैक दो साइड से पड़ा आना जाना, और एक साइड से 27 किलोमीटर है, और जो 27 किलोमीटर में जो आपको पहले 9 किलोमीटर चलना होता है टफ होता है, क्योंकि अप डाउन होती है, पत्थर देखे थे आपने कितने थे, पत्थर और टफ बना देते हैं, टफेस्ट बना देते हैं ट्रैक को, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आती हैं, किसी को नी की प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ हो जाती है, तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगी छोटे छोटे अपने ट्रैक प्रैक्टिस करें, ऋषिकेश आएँ तो छोटे मोटे ट्रैक कर लें, कभी मेरे पास टाइम होगा तो मैं भी ऐसी चली जाऊँगी ट्रैक करने के लिए आप लोगों के साथ,
तो उसके बाद बड़े ट्रैक डिसाइड करें, या फिर आप 10-15 किलोमीटर 10 किलोमीटर एटलीस्ट वॉक करते हो, वॉक करना ना छोड़ें तो अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल के में एक ट्रैक बनाएंगे, बहुत बढ़िया ट्रैक होने वाला है वो, अप्रैल के बीच में होगा वो, मैं बताऊंगी नहीं तभी बताऊंगी। तो जिस और ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 15 किलोमीटर का होगा बस, दो दिन में मतलब बना इस तरीके से रहें कि दो दिन में आप पहुँचें, दो एक दिन में उतर आएँ शायद, इस तरीके से कुछ होगा। और हो सकता है मैं अकेली भी चली जाऊँ या और मतलब ग्रुप में कोई जाना चाहे तो वो जाएंगे। भैया तो बोल ही रहे हैं कि भैया अपने और लोगों को लेके जाएंगे, लेकिन आप लोग ना पहले ट्राई कर ली कीजिए, 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर वॉक कीजिए, लेडीज़ को स्पेशली कह रही हूँ, जेंट्स भी अलाउड होते हैं। जेंट्स से क्या होता है, इसमें जेंट्स गए नहीं, जेंट्स से लेडीज़ को भी सपोर्ट मिल जाता है एक दूसरे का ना। अब कई बार क्या होता है, तबीयत ख़राब होती है, अब हस्बैंड भेजते नहीं है कि भाई जेंट्स जा रहे हैं तो हम भेजेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम हर की मैं स्वर्गारोहिणी गई थी, हमने देखा था भाइयों का भी और जो भी बच्चे भी थे उनका बहुत सपोर्ट मिल जाता है एक दूसरे को। ये आगे देखो ये आगे। अच्छा हाँ गोप्रो पे हो? हाँ मैं गोप्रो पे हूँ, मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। कर रही हूँ ठीक है। तो मैं लेडीज से यही कहना चाहूँगी कि अगर ट्रैक करने हैं बड़े बड़े तो छोटे छोटे ट्रैक करना शुरू कर दें, ठीक है ना। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। कल से हम ऋषिकेश पहुंच जाएंगे, फिर वहीं की होगा, और डिटेल में अगर कोई पूछना चाहेगा तो मैं वीडियो की डिटेल दे दूंगी। हर हर गंगे हर हर महादेव।